जय हिंद दोस्तों, मैं विकास, यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी, आप सभी का स्वागत करता फ्लो फॉर्म पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होगी। तो एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है ना। लवि ठाकुर, जय हिंद भाई, आप सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कमेंट कीजिए, शिप्रा कुमारी, गुड इवनिंग बहन। अंजु दक्ष, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आप सभी को, शुभ संध्या और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस भी बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग जो भी न्यू अपडेट आती है वो आपको मिलती रहे। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना, यहाँ पर हमारी सोर्स डलती है जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज फैक्ट रखती है। ये आपकी क्लास का टाइम टेबल रहता है, 6 PM आपकी ऐप पर क्लासेस चली हुई है जो 6 PM स्टार्ट होती है, ठीक है। अगर आप फिलोफॉर्म के किसी भी बैच को परचेज करते टाइम कूपन कोड यूज करते हैं VIK10, तो आपको 10% ऑफ प्राप्त मिलता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लोह युग। आज का टॉपिक क्या है? लोह युग आज का टॉपिक है। इससे हमले पाषाण और मानव उत्पत्ति, कल रीड कर लिया, कल कंप्लीट हमारे दोनों ही चीजें हो चुकी हैं। आज हमें लोह युग और महापाषाण काल को कंप्लीट करना है, क्लियर है। तो एक बार सभी जुड़ जाइए और कमेंट कर दीजिए, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। कमेंट कीजिए, क्लास को स्टार्ट करें। चलो तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, तो लोह युग हमने शुरू किया है। क्या शुरू किया है? लोह युग। लोह युग का प्रयोग हम दो स्तर पर देखते हैं। एक तो देखते हैं विश्व स्तर पर, विश्व स्तर पर एशिया माइनर की जो जनजाति थी, एक हित्ती, इसकी खोज 1300 बीसी के आसपास हुई, लगभग 1300 बीसी एशिया माइनर से। एशिया माइनर में कौन सी जनजाति है? हित्ती जनजाति। हित्ती जनजाति के द्वारा प्रथम प्रयोग किया गया था, प्रथम प्रयोग किसका? लोहे का प्रथम प्रयोग किया गया था। उसी प्रकार आगे क्या आ जाता है? आगे आ जाता है भारतीय स्तर पर। इट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय दी हित्ती ट्राइब इन एशिया माइनर ग्लोबली, यानी विश्व स्तर की बात करें, अगर हम ग्लोबली बात करें तो उसको एशिया माइनर के अंदर हित्ती ट्राइब ने फर्स्ट टाइम यूज किया था। भारत के अंदर अगर मैं बात करूं
तो मध्य प्रदेश के अंदर एक जनजाति रहती है अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति, अगरिया जनजाति के लोगों ने के द्वारा प्रयोग किया गया था। ये आदिम युग से तकनीक, आदिम युग से देशी तकनीक के द्वारा इन्होंने प्रयोग किया था। आदिम युग से आदिम युग से देसी तकनीक के द्वारा, देसी तकनीक के द्वारा इन्होंने प्रयोग किया था। साक्ष्य की अगर मैं बात करूं तो इसके साक्ष्य है हमें 1000 BC से लेकर 900 BC के आसपास के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। यूपी में इसके भी साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। कहां पर? अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा से हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। इसकी खोज किसने की थी? 1961-62 में कनिंगम के द्वारा खोज की गई थी। था क्या? अतरंजी खेड़ा से हमें धातु शोधन के भट्टियों के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? धातु शोधन के करने वाले, धातु भट्टियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहां तक चीजें समझ में आई? ठीक है, खोज किसने की? कनिंगम ने 1961-62 में। लेकिन यहां का उत्खनन किसने किया था? अतरंजी खेड़ा का उत्खनन किया था आरसी गोड ने। आरसी गोड ने उत्खनन किया था। इतने चीजें समझ में आ गई? कमेंट करना एक बार। लवली, बस अभी स्टार्ट ही किया क्लास को, ठीक है? रिपीट कर देता हूं मैं। हमने लो युग को आज स्टार्ट किया है। लो युग को हमने दो भागों में बांटा, पहला विश्व स्तर पर, फिर भारतीय स्तर पर। विश्व स्तर की बात करें तो विश्व स्तर पर इसकी खोज 1300 BC के अंदर हमने एशिया माइनर, इस एशिया माइनर से की थी। एशिया माइनर के अंदर एक जनजाति थी हित्ती जनजाति, तो वो क्या करती थी? इसका प्रयोग करती थी। दूसरी तरफ हमने भारतीय तरफ की तरफ, भारत में मध्य प्रदेश के अंदर एक अगरिया जनजाति थी जो इसका प्रयोग करती थी। वो आदिम युग से देसी तकनीक के द्वारा इसका प्रयोग करती थी, ठीक है? उसके बाद हमने यूपी के अंदर इसके साक्ष्य देखे, 1000 से लेकर 900 BC के अंदर जो साक्ष्य हमें मिले, यानी उस एरिया को साक्ष्य लाइज कर रहे थे। यूपी के अंदर कौन सा जगह है? अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा के अंदर हमने क्या मिला था? हमें धातु शोधन की भट्टिया मिली थी। 1961-62 में खोजा गया था। उत्खनन की अगर मैं बात करूं तो आरसी गोड के द्वारा वहां पर उत्खनन हुआ था। इतनी चीजें समझ में आई? आगे चलते हैं। इंडिया एमपी आयरन वाज यूज्ड बाय द पीपल ऑफ अगरिया ट्राइब। एविडेंस ऑफ मेटल रिफाइनिंग फ्रंट्स हैज बीन फाउंड फ्रॉम अतरंजी खेड़ा। यूपी के अंदर हमें साक्ष्य मिले थे। गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड ने इसकी परिभाषा क्या दी है? गार्डन चाइल्ड, लोहे को जनतांत्रिक, जनतांत्रिक धातु कहा है, कहा है। राजस्थान से प्राचीनतम लोहे का साक्ष्य है। हमें आहड़ से मिलता है। कहां से मिलता है? आहड़ से मिलता है। दशराज युद्ध पढ़ा है? दशराज युद्ध से दस राग युद्ध भी कहा जाता है। दस राग युद्ध कहां पर हुआ था? रावी नदी के किनारे हुआ था।
कब हुआ था? ऋग्वेदिक काल में हुआ था, ऋग वैदिक काल में हुआ था। राजा सुदास, वशिष, 10 अन्य राजाओं के खिलाफ। ठीक है, इसमें कौन जीते थे? राजा सुदास जीते थे। तो राजा सुदास के अंदर दशराज युद्ध में एक राजा थे दिवोदास। दिवोदास, दिवोदास को लोहे की तलवार देकर सहायता की थी एक ऋषि था, उस ऋषि का नाम था गालव ऋषि। गालव ऋषि ने, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा ऋग्वेदिक काल के अंदर किस ऋषि के द्वारा लोहे की तलवार देकर दिवोदास को सहायता प्रदान की गई थी। तो वो राजा, वो ऋषि थे गालव ऋषि। अगर आपसे ऋग्वेद काल के अंदर पूछे कि तलवार किस ऋषि के पास थी, तो वो थे गालव ऋषि। क्लियर है? आगे चलते हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद में श्याम शब्द, श्याम अयश शब्द मिलता है। क्या मिलता है अथर्ववेद में? श्याम अयश शब्द हमें मिलता है। अथर्ववेद में क्या मिलता है? श्याम अयश शब्द हमें देखने को मिलता है। श्याम अयश शब्द का अर्थ किससे लिया गया है? इसका शाब्दिक अर्थ इससे किससे लिया गया है? इसका अर्थ है लोहे या धातु से। श्याम अयश वर्ड फाउंड इन अथर्ववेदा, अर्थ क्या है? लोहे या धातु। वादसनेयी संहिता में लोहे का अर्थ तांबा बताया गया है। यानी वाजसनेयी संहिता क्या कहती है? वाजसनेयी संहिता कहती है। लोहे का क्या अर्थ कहती है? लोहे का अर्थ कहती है तांबा, और श्याम का अर्थ कहती है लोहा। ठीक है, वाजसनेयी संहिता लोहे के अर्थ को तो कहती है तांबा, और तांबे के सॉरी श्याम के अर्थ को कहती है लोहा। क्लियर है? इन वाजसनेयी संहिता द मीनिंग ऑफ आयरन इज डिस्क्राइब्ड एज ए कॉपर एंड श्याम इज इंटरप्रेटेड एज आयरन। काटक संहिता, काटक संहिता में 24 बैलों के द्वारा खींचे जाने वाले हल के साक्ष्य मिलते हैं। काटक संहिता में ही आपके ओम का वर्णन मिलता है। नहीं, वो कठोपनिषद है भाई। ठीक है, सॉरी, ये काटक संहिता में ओम का वर्णन नहीं मिलता, वो कठोपनिषद है जिसमें ओम का उल्लेख मिलता है। कठोपनिषद है भाई। ठीक है, काटक संहिता में क्या मिलता है? आपका 24 बैलों के द्वारा खींचे जाने वाले हल के साक्ष्य मिलते हैं। काटक संहिता 24 एविडेंस ऑफ प्लो ड्रॉन बाई ऑक्सीजन। ठीक है, अथर्ववेद में फल को क्या कहा गया है? पवरीवृतम या फिर पब्रिवृ। पब्रिम। क्लियर है? अब देखो, भारत में लोह युग की शुरुआत उत्तर वैदिक काल से मानी जाती है, और इसकी विशेषता क्या है उत्तर वैदिक काल के अंदर? उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या है? पीजीडब्ल्यू का अर्थ है चित्रित, दूसर, मृदभांड। अलग अलग मृदभांड भी आपको कराए जाएंगे। ठीक है, पीजीडब्ल्यू यानी चित्र, दूसरे मृदभांड, ग्रे पोइट्रेट, ग्रे वियर। ठीक है,
आपको चीजें करवाई जाएंगी। द बिगिनिंग ऑफ द आयरन एज इन इंडिया कंसिडर टू बी फ्रॉम द लेटर वैदिक पीरियड। अब हम देखते हैं प्रमुख स्थलों के बारे में। लोह में भारत में प्रमुख लोह प्रयुक्त संस्कृति स्थल मेजर साइट ऑफ आयरन कल्चर। अहिछत्रपुर, ये अहिछत्रपुर है और अहिछत्रपुर ही रोपड़, ये रोपड़ नहीं है भाई, रापड़ है ये, ठीक है रापड़। आलमगीरपुर यूपी के अंदर है, अल्हापुर, अल्हापुर अतरंजी खेड़ा और जखेड़ा हस्तिनापुर, जखेड़ा ठीक है जखेड़ा, अहिछत्रपुर रोपर आलमगीरपुर अल्हापुर अतरंजी खेड़ा और जखेड़ा। मध्य भारत, ये एमपी मालवा एमपी के अंदर पड़ता है, उज्जैन एमपी के अंदर पड़ता है, मध्य प्रदेश एरण एमपी के अंदर पड़ता है, ये जितने भी स्थल हैं सभी एमपी के अंदर हैं। सेंट्रल इंडिया यानी मध्य इंडिया के अंदर क्या आएगा, मालवा उज्जैन और एरण। मध्य निमन घाटी, मध्य निमन घाटी के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, पूर्वी भारत आता है, चिरांद आता है और पश्चिम बंगाल आता है, और क्या आता है, महिषा दल आता है, चिरांद आपका बिहार में है ठीक है, और क्या आता है पांडु रजार डीबी। दक्षिण भारत में कुल्लूर आदिमचलूर से भी हमें लोहे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आगे चलें, चीजें समझ में आ रही है ना। माहूर जारी से लोहे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। माहूर जारी आपका महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र से हमें लोहे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अंदर 6% कार्बन मिला है, 6% कार्बन के साक्ष्य मिले हैं ठीक है। जखेड़ा लोहे की हल का फाल मिला है, पिराक बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। तो लोहे के तीराग्रह वह लोहार की भट्टी के साक्ष्य मिले हैं। प्राप्त हुए ठीक है, क्लियर है, कमेंट कीजिए। आपका जो लोक काल है वो समाप्त हो चुका है, अब हम एंट्री करेंगे महापाषाण काल के अंदर। यहां तक किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कमेंट कीजिए भाई, कमेंट करोगे तभी पता चलेगा ना आपके और मेरे माध्यम कन्वर्सेशन का एक ही, जैसे आपके और मेरे बीच कन्वर्सेशन का एक ही माध्यम है कमेंट। तो अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो कमेंट कीजिए, अगर समझ में आ गई तो कहिए कि आगे बढ़ सकते हैं, समझ में आ चुकी है।
चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है महापाषाणिक संस्कृतियां। महापाषाणिक संस्कृतियां जो आपकी ताम्र पाषाण संस्कृतियां हैं और जो लोह पाषाणिक संस्कृतियां, उनके बीच के अंदर जो लाइज करता है ये उससे संबंधित है। हम बात करें दक्षिण भारत की, किसकी बात करें, हम दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, किसकी बात करें, दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं महापाषाणिक संस्कृतियों के बारे में। महा का अर्थ होता है बड़ा, इसे क्या कहा जाता है, इसे मेगालिथ कल्चर कहा जाता है, मेगा लिथ कल्चर इसे कहा जाता है। मेगा का अर्थ है बड़ा, लिथ का अर्थ है पत्थर, कल्चर का अर्थ है संस्कृति, बड़े पत्थरों वाली संस्कृति। महापाषाणिक संस्कृति विशेषकर प्रायद्वीपीय भारत में पनपी, ठीक है, और इसका अर्थ है बड़े पत्थरों से निर्मित समाधियां। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब क्या है, प्रायद्वीपीय भारत कौन सा, ये पनपी आपकी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये यहां पर पनपी थी प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। समय की अगर मैं बात करूं तो इसका समय कौन सा था, ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर ईसवी तन, ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दी तक थी। कहां तक थी, प्रारंभिक शताब्दी तक थी। द मेगालिथिक कल्चर फ्लोरिस्ड स्पेशली इन द पेनिनसुलर इंडिया, इट्स मेंस मेगालिथिक मेजुलिज्म। समझ में आ गई। अब इसके खोजकर्ता कौन थे, खोजकर्ता थे वीडी स्वामी, वीडी स्वामी या फिर वीडी कृष्ण स्वामी, कृष्ण स्वामी इसका नाम था। इन्वेंटर कौन है, वीडी कृष्ण स्वामी। इसे क्या कहा जाता है, इसे वृद्ध प्रशाणिक, इसे वृद्ध वृद्ध पाषाणिक या महापाषाणिक महापाषाणी संस्कृति से कहा जाता है। आगे चलते हैं। लोहे के साक्ष्य यहां पर क्या मिलते हैं, प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। 33 प्रकार के उपकरण हमें प्रायद्वीपीय भारत की तरफ से मिलते हैं, और इसी आधार पर हम बात कर सकते हैं कि जो कि दक्षिण भारत में जो लोह युग था वो संस्कृति कहां पर थी, वो दक्षिण भारत में थी। ठीक है, कि दक्षिण भारत को भी लोहे का ज्ञान था 1000 BC के आसपास। दक्षिण भारत को भी था लोहे का ज्ञान। पाषाण काल के बाद लोह काल आया, क्योंकि यहां यानी दक्षिण भारत की हम बात करें, नवपाषाण अवस्था लोह काल में बदल गई थी। नवपाषाण ताम्र पाषाण भी कहा जाता है। द आयरन एज कम आफ्टर द पैलियोलिथिक बिकॉज हियर यानी साउथ द न्यूलिथिक फेज चेंज टू द आयरन एज, द न्यूलिथिक इज कॉल्ड द चेकोलिथिक एज। महापाषाण काल में दक्षिण भारत में इस काल के लोग धान एवं रागी उगाते थे, यानी महापाषाण काल में दक्षिण भारत के लोग क्या उगाते थे, धान व रागी उगाते थे। During the Megalithic period, the people of this period used to grow paddy and ragi in South India.
महापाषाण काल की विशेषता बड़े पत्थरों से बनी समाधियां। अगर आपसे पूछे कि महापाषाण काल की विशेषता क्या है, बड़े पत्थरों से बनी समाधियां। साक्ष्य की अगर मैं बात करूं, साक्ष्य साक्ष्य आपका एक तो बुर्जोम, बुर्जोम से जो समाधि मिली है उसको नडुकुल, नडुकुल समाधि से कहा जाता है, नडुकुल समाधि का नाम दिया गया है। गुफ कराल, गुफ कराल जो समाधि मिली है वो मेनिहर मिली। उस समाधि का क्या नाम रखा है? उस समाधि का नाम रखा है मेनिहर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेगालिथिक केज म्यूसलिज्म मेड ऑफ लार्ज स्टोन, जो समाधियां थी वो बड़े स्टोन से बनी हुई थी, लार्ज स्टोन से बनी हुई थी। महापाषाणिक स्थल राजस्थान, राजस्थान के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वतमाला से साक्ष्य मिले। हल्लूर कर्नाटक के अंदर है, संस्कृत संक्रांति स्थल, हल्लूर को क्या कहा जाता है? संक्रांति स्थल कहा जाता है। किस किस के बीच का संक्रांति स्थल? नवपाषाण एवं महापाषाण युग के। मध्य संक्रांति काली से कहा जाता है। आदिनचल्लूर, आदिनचल्लूर आपका रहता है तमिलनाडु में, पूर्व ऐतिहासिक काल की समाधि के साथ लोह उपकरण प्राप्त होते हैं, यानी पूर्व ऐतिहासिक, जो पूर्व यानी पहले, जो ऐतिहासिक काल से पहले की जो समाधियां थी उनके हमें क्या मिलते हैं? उनके अंदर लोह उपकरण हमें प्राप्त होते हैं तमिलनाडु के अंदर आदिनचल्लूर। अब देखते हैं कब्रों के समाधि के प्रकार, कब्रों एवं समाधियों के प्रकार। क्लियर है यहां तक? कमेंट कीजिए एक बार। रमदीप गुड इवनिंग मैन, क्लियर? ओके, पूछ सकता हूं, क्वेश्चन पूछ सकता हूं क्या? कमेंट कीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? पूछ सकते हैं। तो ये बताइए, अतरंजी खेड़ा जो यूपी के अंदर है, जहां से हमें धातु शोधन के साक्ष्य मिलते हैं, उसकी खोज किसने की थी और कब की थी?
1961-62 में, बिल्कुल कनिंगम, गुड। तो अब बताइए भारत में अग्रिया जनजाति किस क्षेत्र में रहती है? मध्य प्रदेश, बिल्कुल, वेरी गुड। अब बताइए बिल्कुल परमदीप जी, नहीं, हित्ती जनजाति जो है ना वो विश्व स्तर पर है परमदीप, वो विश्व स्तर पर है, एशिया माइनर से पाई गई थी। एक क्वेश्चन और बताइए आप। हाँ, महापाषाणिक संस्कृति की शुरुआत खोज किसने की थी? महापाषाणिक संस्कृति की खोज, वी डी कृष्ण स्वामी, गुड गुड, लवी ठाकुर, गुड भाई। अच्छा बताइए पूर्व ऐतिहासिक काल की समाधि के साथ लोहे के उपकरण कहां से प्राप्त होते हैं? पूर्व ऐतिहासिक काल की समाधि के साथ लोहे के उपकरण कहां से प्राप्त होते हैं? इसमें भी इतना टाइम लगेगा क्या? बिल्कुल, आदिन चल्लूर, ठीक है, आदिन चल्लूर तमिलनाडु से प्राप्त होते हैं। अब देखो ये समाधियां कैसी थी, शिष्ट समाधि, कहां से मिली है? ब्रह्मगिरी से, ब्रह्मगिरी पर्वत से मिली है, तमिलनाडु, बिल्कुल लवी ठाकुर, आदिन चलूर तमिलनाडु से। इसमें होता क्या है, खाई खोदकर पत्थर से, पत्थर की शिलाओं से आयताकार संदूक जैसा
निर्माण। क्लियर है? पीट सर्किल, शिष्ट समाधि हो गया। हमें खाई खोदनी है, एक गड्ढा डिग करना है, जैसे एक गड्ढा खोदकर शिलाओं से आयताकार, यानी एक स्क्वेयर बना, एक आयताकार बनाना है इस टाइप से, गड्ढा खोदकर, ठीक है। उसमें पीट सर्किल, पीट सर्किल होता क्या है, ये भी ब्रह्मगिरी से मिला है, ब्रह्मगिरी। पत्थरों से वृत्त बनाकर उसमें एक खाई निर्मित करना। अगर आपसे पूछे कि पाषाण संस्कृति कहां पर फली फूली, तो वो दक्षिण भारत में फली फूली। कहां पर? दक्षिण भारत में थी, ठीक है, दक्षिण भारत में थी। समझ में आ गया? पीट सर्कल क्या है? सर्कल बनाकर एक खाई निर्मित करना जमीन में, ठीक है। शिष्ट समाधि क्या है? खाई खोदकर पत्थर की शिलाओं से उसे आयताकार रूप देना। खाई खोदकर पत्थर की शिलाओं से आयताकार रूप देना, शिष्ट समाधि क्या कहलाती है? खाई खोदकर पत्थर की शिलाओं से आयताकार संदूक का जैसा निर्माण करना। पीट सर्कल क्या कहती है? पत्थरों से वृत्त बनाकर उसमें खाई निर्मित करना। पीट सर्कल क्या कहती है? पत्थरों से वृत्त बनाकर उसमें एक खाई निर्मित करना। अब देखिए केन सर्कल, केर्न सर्कल क्या कहती है? केर्न सर्कल, केर्न सर्कल, ये चिंगला, चिंगलपुर, चेन्नई। इसमें क्या होता है? इसमें विशाल पत्थरों, निर्मित क्या होता है, वृत्त में शव अस्थि पात्र में रखा जाता था। रखा जाता था केन सर्किल क्या कहती है कि एक विशाल पत्थरों से मैं वृत्त बनाना है, और उस वृत्त को के अंदर अस्थि पत्थरों को रखना। देखो ये जो पीठ सर्किल है, ये पीठ सर्किल क्या करती है? वृत्त खाई, जब वृत्त पत्थर लगाए और खाई खोदकर उसमें दफना दिया। लेकिन ये क्या है? ये ऊपर ही है, केर्न सर्किल क्या है? ऊपर ही है, ठीक है। आगे आ जाता है डोलमेन, ये भी चेन्नई से मिला है, सिंगलपुर से। शिष्ट के समान है, इसका क्वेश्चन आया हुआ है भाई, शिष्ट के समान है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है इसका, ठीक है। शिष्ट के समान है परंतु संदूक नीचे ना बनाकर, ना होकर ऊपर होता था, ऊपर होता था। अम्ब्रेला स्टोन, अम्ब्रेला स्टोन क्या कहता है? ये मिले कोचिन से, पत्थर के चार पाए खड़े करके, चार पाए खड़े करके उन पर पत्थर रखकर छतरी जैसी आकृति बना देना। क्लियर है? पत्थर के चार पाए खड़े किए और उसके ऊपर पत्थर रखकर छतरी बना देना। यहां तक किसी को कोई डाउट? कमेंट कीजिए।
शिष्ट समाधि हो गया, पीठ सर्किल हो गया, पीठ सर्किल के बाद कर्ण हो गया, कर्ण के बाद डोलमेन पढ़ लिया हमने, डोलमेन के बाद अम्ब्रेला स्टोन, अम्ब्रेला स्टोन के बाद हुड स्टोन, और हुड स्टोन के बाद कंदरा समाधि, और फिर मेनहीर समाधि, और फिर इसके बाद आपका महापाषाण काल और लोह काल दोनों ही समाप्त हो जाएंगे। कल आपका ताम्र पाषाण काल शुरू हो जाएगा। कमेंट कीजिए। क्लियर? देखिए फिर अब आगे आ जाता है हुड स्टोन। ये कहां से मिला? ये भी कोचिन से ही मिला है। इसमें क्या होता है? इसमें जमीन पर ही छत्र के आकार का महापाषाण बनाया जाता है। महापाषाण बनाया जाता है, जाता था, है नहीं, जाता था। उसके बाद कंदरा समाधि कोचिन के अंदर मिली है। आयताकार खाई में सब दफनाया जाता था। मेनहीर, मेनहीर समाधि में क्या होता है? ग्रेनाइट के एकास्मक पत्थर का प्रयोग इसमें किया गया है। चलो कोई बात नहीं, लवी जिसका मन करता है वो कर दिया करता है। एक बच्चा भी कमेंट कर देता है तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। अगर एक को समझ में नहीं आया तो किसी को नहीं आएगा, ये मुझे पता है, ठीक है। और ये चीजें याद करने से आएंगी, आपको समझ में तो आ रही होगी। कोई बात नहीं लवी, जिसका मन करता है करता है, जिसका इच्छा नहीं है वो नहीं करता है। छोड़ो। आगे चलें। टाइप ऑफ टॉम्स एंड मोशलिज्म, सिस्ट स्टोन, पीट सर्किल, केरन सर्किल, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन और कंदरा समाधि, ये चीजें हो चुकी है हमारी। अब देखो ये आपकी कंदरा समाधि के अनुसार है। लाइक एज ए कंदरा समाधि आयत बनाकर ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये समाधियों का प्रकार है। मेनहीर, ये मेनहीर है भाई, इसमें एकास्मक ग्रेनाइट के पत्थर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? ये डोलमेन है, देखो डोलमेन नजर आ रहा है, इसमें जो संदूक है वो ऊपर की तरफ है ना कि जमीन में। स्टोन सर्कल, ये पिट सर्कल है भाई, वृत्त बनाकर सबको रखा जाता था। ठीक है, और द मेजोलिथिक एज, ये देखिए,
क्लियर अब चीजें? चीजें समझ में आ गई क्या? चलो, यस अंजू, यस बिल्कुल। तो ऐसे कमेंट किया करो, अच्छे लगते हैं यहाँ पर नाम आते हुए। मुझे भी ये पता रहता है कि कौन क्लास में एक्टिव है कौन नहीं। कभी मिलोगे बाहर, में पहचानने से भी मना कर दूंगा, ठीक है? अदरवाइज मुझे ये तो पता रहेगा ना, अगर आप यहाँ पर कमेंट करते रहोगे, मुझे ये तो पता रहेगा ना कि क्लास में एक्टिव था, बातें होती थी। अब मेरी ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि मुझे फेस याद रहेगा। आपकी और मेरी पहचान तो नाम से है ना, नाम से ही हम एक दूसरे को जानते हैं। क्लासेस कैसे चल रही है सभी? कैसी चल रही है क्लासेस? पेपर फर्स्ट की, पेपर सेकंड की, दोनों बता दीजिए। बिल्कुल, फेस से भी जानते हो, अच्छी चल रही है। बढ़िया, चलो अच्छी बात है भाई, मेहनत करते रहो, मेहनत का फल आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है? और मेहनत का अल्टरनेट कुछ नहीं है, अच्छे से मेहनत करो। अगर किसी भी चीज में कोई डाउट होता है तो पूछ लिया करो, नोट्स के बारे में डाउट होता है या फिर कुछ नहीं मिलता ऐप पर, तो चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दिया करो। चलो, किसी को कुछ पूछना है? बिल्कुल भाई लवी, आपको जीआरएफ करना है, और आपकी पूरी मेहनत, मेरी पूरी मेहनत रहेगी आपका ये सपना साकार करने में। तो इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सर, जो बाद में नोट्स बनाते हैं और तब क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। अंजू, समझ में नहीं आया भाई, क्या कहना चाहते हो? सर, जो बाद में नोट्स बनाते हैं और तब क्वेश्चन पूछे, तो वो लाइव क्लास में? बिल्कुल हाँ, पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन, अगर कोई भी नोट्स नोट्स बनाओ। देखो, अब आपने क्लास देख लिया ये, अब दोबारा जब क्लास देखोगे तो उसके टाइम इसको नोट्स बनाना, रिविजन हो जाएगी। टाइम अब आपके पास, अब टाइम है, ऐसे करके नोट्स बना लो, फायदा रहेगा। अदरवाइज क्लास की थोड़ी सी स्पीड डाउन कर लिया करो, है ना? वैसे मैं तेज तो बोलता नहीं हूँ कि स्पीड से चला जाता हूँ क्लास की, अगर फिर भी आपको लगे कि तेज है, तो क्लास की स्पीड स्लो कर लिया करो, और नोट्स अपने साथ साथ नोट्स बनाते रहा करो। पीडीएफ में अपलोड करूंगा, बट
आपके हैंड रिटन नोट्स से आपके लिए बेहतरीन नोट होंगे। हाँ, तरीके मुझसे सीख लिया करो, मैं भी इतिहास का एक विद्यार्थी ही हूँ, जैसे आप विद्यार्थी हो मैं भी विद्यार्थी हूँ। जो समस्या आप सामना कर रहे हो शायद वो मैंने भी उनको सामना किया ही होगा, ऐसी बातें नहीं है। ठीक है, तो फिर चलते हैं, आपकी नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, तो फिर मिलेंगे कल इसी समय शाम 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।